किसी चीज पे तुमने 5 बार ही अटेम्प्ट लगाया मैक्सिमम, अपनी पूरी मेहनत जज्बे के साथ में, जोश के साथ में, लेकिन वो चीज तुमसे बनी नहीं, और सेम मेहनत डालकर किसी इंसान ने एक बारी में वो काम करके दिखा दिया, तो भाई साहब जो सेल्फ एस्टीम की धज्जा उड़ जाती है ना, जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात बनाती है, बुरा लगता ना अंदर से, वो लिटरली कोई नहीं समझ सकता, वो वही समझ सकते जिनके साथ एक्चुअली में ऐसा हुआ है। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो चाहे एग्जाम को क्लियर करना हो, चाहे फिर वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, फिजिक्स के क्वेश्चन को, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन को, या कोई भी चीज़ हो सकती है जिस पे तुमने बहुत एफर्ट लगाया, उसे ट्राई करा समझने का, उसे करने का, बट वो तुमसे हुआ नहीं और किसी से वो एक बारी में हो जा रहा है। तो आपके दिमाग में ना एक सीधा सवाल ये आता है कि यार वो बंदा ऐसा क्या अलग कर रहा है जो मैं कर नहीं रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन के अंदर, जिसकी वजह से मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही। तो इसी सवाल का जवाब मैं अपनी स्टोरी से देने वाली हूँ। ये स्टोरी आपसे बहुत रिलेट करेगी, क्योंकि मैं उस जगह पर जहाँ पर आप आज हो, मैं वहाँ पर रह चुकी हूँ। इस वीडियो के थ्रू आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप आज 300 स्कोर कर रहे हैं नीट के एग्जाम के अंदर, तो हो सकता है आप 400 स्कोर करने लग जाएं इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, अभी के टाइम पर टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो हो सकता है आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आने लग जाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद में सीधे 100 में से 100 आ जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल थिंग है, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट आपको जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। देखो ये प्रॉब्लम जो होती है ना कि हम बहुत ज्यादा मेहनत डालते किसी चीज पे और काम करने की कोशिश करते हैं, फिर हमसे वो चीज होती नहीं है, इसके पीछे ना दो रीजंस हो सकते हैं। पहला एक लॉजिकल रीजन होता है जिसके बारे में हर कोई बात करता है, हर कोई, मतलब आप किसी से भी पूछ लो सब ज्ञान दे देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, आप सैंपल पेपर लगा लो, आप ये कर लो, वो कर लो, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, फलाना ढिमकाना, सारी बातें कर लेंगे सब लोग, क्योंकि सभी को पता है, तुमको खुद को पता है, ये चीज कोई नई नहीं है कि तुमको पता है मुझे अगर नीट क्लियर करना है तो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, तुमको पता है मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो भाई मुझे पेपर प्रेजेंटेशन पे काम करना है, मुझे अपनी लर्निंग स्किल एक्टिव रिकॉल पे ज्यादा काम करना है, तुम्हें ये सारी बातें ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये चीजें मैं खुद भी बताती हूँ, बाकी सब लोग बताते हैं, तुम सुनते जाते हो। बट जो दूसरी चीज है ना, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है, या फिर पता भी है तो वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम या बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तुम्हारे पास में एक पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है, एक तुम्हारे पास एनसीईआरटी होती है, मेन टेक्स्ट बुक्स होती है, मेन तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन बैंक्स होते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन होते हैं, ये सारी चीजें होती है, लेक्चर्स होते हैं, नोट्स होते हैं, इसके अलावा तो हम और कुछ नहीं, तो चीज तो पढ़ नहीं सकते, यही सारी चीजें होती है जहां से सवाल आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ के बहुत सारा जाते हैं, हमको लगता है यार हमने बहुत सारी पढ़ाई करी है, पर सवाल वहां से आए नहीं, क्योंकि तुमने शायद गलत रिसोर्सेस को यूज करा है। जैसे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं, 1000 बार हम बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन तुम क्या करते हो, दूसरी किताबों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लोग उसको हाइप अप करके इतना ही दिखाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे बताते हैं कि तुम इसको, इस किताब को पढ़ लोगे तुम्हारा हो जाएगा। देखो उस किताब को पढ़ना है, पर वो सेकेंडरी चीज पे, फर्स्ट आपकी एनसीईआरटी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, जिसको तुम्हें कभी भूलना नहीं है, ठीक है, चाहे तुम किसी भी एग्जाम में हो, 10th में, 11th में, 12th में, या फिर नीट में, आईआईटी में, चाहे तुम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो ऑथेंटिक मेन बुक है उसको कभी छोड़ना नहीं। नंबर दो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम्हें पता है कि वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे पता चल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते ही, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात ही कर रही हूं। तो तुम अगर नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑसवाल्ड बुक्स के 37 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले सकते हो। ये है ऑसवाल्ड बुक्स की तरफ से 37 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी, सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है। एनटी का लेटेस्ट सिलेबस इसमें गिवन है और हर चैप्टर के कुछ टॉपिक्स यहाँ पर डिवाइडेड हैं और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है, जो कि तुम्हें काफी हेल्प करते हैं ये जानने में कि इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए थे। लेटेस्ट ईयर का जब पेपर उठा के देखोगे उसमें बॉटनी एंड जुआलॉजी में कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं और हर एक चैप्टर के माइंड मैप्स गिवन है फॉर मोर रिविजन, गो एंड चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये तो होते हैं देखो यार लॉजिकल आंसर्स कि तुमसे सवाल क्यों नहीं बन रहे हैं। हो सकता है तुमने कॉन्सेप्ट्स गलत समझे हैं, हो सकता है कि जहां से क्लासेस फॉलो करी हैं या तो तुमने अच्छे से फॉलो नहीं करा उस रूटीन को, उस प्लान को, या तुमने रिवीजन में कमी रखी है। हो सकता है तुमने इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी भी है तो टाइमर लगा के नहीं करी, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं बन पाई, स्पीड नहीं बन पाई, इससे तुम्हारा पेपर छूट गया, ऐसी सब चीजें होती है। लेकिन जो मेजर चीज है ना, दैट इज द सेकेंड थिंग, जिस जो अगर मिसिंग होगा तो चाहे ये फर्स्ट चीज तुम चाहे कितने परफेक्शन से कर लो, तुम कभी भी इसके बिना ये चीज तुम्हारे लिए एकदम डस्टबिन है, मतलब कचरा है। ये क्या चीज है, ये है इमोशनल स्ट्रेंथ। वो इस चीज को ना मैं अपनी स्टोरी से समझाती हूँ। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय नीट एग्जाम, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड थी
एंड रिसेंट वीडियो में मैंने बताया भी था कि मैं कौन से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में थी, वहां पर मैं इनरोल थी एंड मुझे ना हमेशा यही प्रॉब्लम सताती थी कि मैं चाहे कितना पढ़ लूँ, कितना भी पढ़ लूँ, मेरे नंबर साला यार 450 से ऊपर बढ़ते ही नहीं है। अब ओबीसी कैटेगरी में हूँ, मेरे नंबर, मुझे एक्चुअली में ओबीसी जनरल का सेम कट ऑफ टाइप रहता है, मुझे उतने नंबर चाहिए जितने मुझे एक्चुअली के अंदर मेडिकल कॉलेज वो पहुँचा सके, मेरे उतने नंबर आते ही नहीं थे। मैं लिटरली बहुत परेशान रहती थी हर वक्त कि यार मैं इतना पढ़ती हूँ, मेरे नंबर नहीं आते। और बाकी मैं एक दो मेरी ऐसी फ्रेंड्स थी जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, बिल्कुल भी, मतलब सिर्फ कोचिंग जाती थी, घर आके सिर्फ एक आध घंटा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाकी कई कई बार तो उनका पूरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता था और मेरा एक दिन वेस्ट हो जाना तो भाई हाय तौबा मच जाती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरे तो पता नहीं कितना कीमती वक्त जाया हो गया, मैं इससे अच्छा तो पढ़ाई कर लेती। और वो बंदे ना, वो बंदियां ना बिल्कुल टेंशन फ्री होकर घूम रही होती थी, गाने सुन रही होती थी और नंबर उनके ज्यादा आते थे। भाई मेरे को अंदर से जो एंजाइटी फील होती थी ना, आई कांट इवन एक्सप्रेस यू। फिर मेरे को ना एक लेवल आ गया एंजाइटी सहन करने का कि भाई अब तो बहुत ज्यादा हो गया, एग्जाम पास में आ रहा है और मेरे इतने नंबर आ नहीं रहे कि मेरे को एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। तो मैं अपने टीचर के पास चली गई, वहां पर ऐसा होता है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आपके पास में डाउट काउंटर्स होते हैं जहां पर तुम अपने एकेडमिक डाउट्स भी पूछ सकते हो, और ऐसे कुछ डाउट आए कि तुमसे सवाल क्यों नहीं बन रहे हैं, फिजिक्स का के क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करें, ऐसे जो कॉमन डाउट्स बच्चों के अंदर होते हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सीनियर फैकल्टी से डर सा लगता था, पता नहीं इनसे बात करूंगी तो ये मुझे गुस्सा कर देंगे, डांट देंगे, तो उनसे कभी पूछा ही नहीं। दैट वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर। ये बात ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गड़बड़ करी ना पूरी जर्नी खराब हो जाएगी, चाहे तुम कितना भी मेहनत कर लो सब खराब हो जाएगा। मैं एक्चुअली में उन टीचर्स के पास जाती थी डाउट काउंटर पे, पूछती थी और मैं इतना ऐसे बोलती थी कि सर मैं ना बहुत पढ़ती हूँ फिजिक्स में, इतने सारे मैं थ्योरी पढ़ती हूँ, इतनी सारी मैं अच्छे से नोट्स लगा लेती हूँ, नोट्स में जो क्वेश्चन आपने करवाए हैं मैं अच्छे से कर लेती हूँ, आप हमें मॉड्यूल्स करने के लिए कहते हो मैं वो कर लेती हूँ, फिर मेरे से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्यों नहीं होते, टेस्ट में क्वेश्चन क्यों नहीं होता, और टेस्ट में जब हो भी जाता तो गलत क्यों जाता है मेरा क्वेश्चन। तो उन्होंने भी सारे वही लॉजिकल आंसर्स दिए कि तुम नेगेटिव मार्किंग कर देती हो। फिर मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चंस किए, नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करूं, तो उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे दिए। ठीक है, मैंने वो अप्लाई भी करा अपनी अगले टेस्ट के अंदर और थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखा, बट ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, थोड़ा बहुत मीन्स जस्ट 10-20-30 नंबर का इंप्रूवमेंट दिखा, नॉट सो मच। तो यार मैंने सोचा कि यार ऐसे तो होगा नहीं, मैं टीचर के पास जाके भी आ गई, मेरी काउंसलिंग भी करवा के आ गई, फिर भी मेरे से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं, मैं इतना पढ़ लेती हूँ फिजिक्स में भी, फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। एंड देन उस टाइम पर मुझे टीचर ने एक्चुअल रीजन नहीं बताया था कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। एंड नाउ बिकॉज आई एम टीचर, मुझे पता है कि मैं किस चीज से गुजरी थी, नाउ आई नो कि मेरे साथ तब क्या हो रहा था, मेरे से क्यों क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, और दैट रीजन वॉज कॉन्फिडेंस। आई डिडंट हैव कॉन्फिडेंस, आई रियली डिडंट हैव कॉन्फिडेंस। मेरे को ऐसे पीपल फोबिया होता था, टेल मी इन द कॉमेंट्स इफ यू रिलेट विथ मी। पीपल फोबिया वो होता है जब आप किसी इंसान को देखते हो या बहुत ज्यादा लोग आपके सामने आ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई सवाल करूंगा या करूंगी तो मेरे को ना ऐसे गलत सा समझेंगे लोग, उनको वो मेरे पे हंसेंगे, उनको लगेगा कि यार इसको यही नहीं आता, ये तो नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करे, इसको छोटी सी प्रॉब्लम नहीं आती। मेरे को ऐसा फील होता था और इस डर के मारे मैंने बहुत से डाउट पूछे ही नहीं अपने क्लासरूम के अंदर कभी भी टीचर से। और आई वॉज लिटरली लाइक, मैं अभी थोड़े दिन पहले बैठकर इसके ऊपर सोच विचार कर रही थी एंड आई वेंट टू द प्लेस ऑल्सो जहां पर मैंने कोचिंग ली थी, तो मैं वहां की स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रही थी एंड नाउ आई वॉज ऑब्जर्विंग दो स्टूडेंट टीचर की नजरों से। पहले मैं स्टूडेंट की नजरों से देखती थी, मुझे लगता था कि इनको सब आता है। मैं जब स्टूडेंट थी तो मेरे को लगता था मेरे को कुछ नहीं आता, सबको सब आता है, मैंने जो पढ़ा सब गलत पढ़ा है, मैं जो पढ़ के जाऊंगी उससे सवाल नहीं आएगा, मैं एनसीईआरटी चार्ट भी जाऊंगी ना बढ़िया से पढ़ के चली जाऊंगी ना तो मेरे से एनसीईआरटी के ना तो क्वेश्चन होने हैं और ना ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन इधर उधर से कैसे से बनेंगे और मेरे से तो नहीं होगा। मेरे दिमाग में थ्रू आउट द ईयर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, यही चीज दिमाग में फिट सी हो गई थी। एंड हो भी क्यों ना, जब आप टेस्ट देते हो टेस्ट में लगातार नंबर कम आते जाते तो कॉन्फिडेंस लेवल जो गिरता है ना उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो कॉन्फिडेंस लेवल एक बच्चे का उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दैट्स वेयर आई एम हेल्पिंग यू। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर ये सिचुएशन ना आए, जब तुम्हारे नंबर कम आए ना तो खुद को पैम्पर करो, खुद को ये बोलो कि यार कोई बात नहीं तेरे नंबर कम आ गए तो हम एक्चुअल रीजंस देखेंगे, बट खुद पे कॉन्फिडेंस कभी मत तोड़ो। मैंने अपना कॉन्फिडेंस तोड़कर अपने ऊपर एनालिसिस करी थी तो मेरी एनालिसिस बिल्कुल वेस्ट हो गई। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर हो और फिर तुम अपनी एनालिसिस करो, तुम्हारा सिलेक्शन क्या नहीं होगा यार, किसका होगा तुम्हारा नहीं होगा तो।
सो दैट वॉज द रीजन मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था और इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में एक्चुअली मुझे बहुत साल लग गए. क्योंकि जब आप एक प्रिपरेशन जर्नी से निकलते हैं और वो आपका प्रिपरेशन जर्नी सिर्फ एक आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने आप का हुलिया चेंज कर लेते हैं, दिमागी हुलिया की बात कर रही हूँ, इमोशनल वेलबींग आप कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आपके अंदर ऐसी सी चीज़ें, आप ऐसी सी बातें सोचते हो जिसके बारे में आप कभी हंसा करते थे किसी और पे कि छी ऐसी बात पे किसी को डिप्रेशन आता है, और आपको वो सेम डिप्रेशन जब हिट करता है ना, दैट फीलिंग nobody can understand. Like अभी भी रिसेंट में एक न्यूज चल रही है इंस्टाग्राम पे, काफी वायरल हो रही है कि मैमसी का बंदा है जो अभी पीजी कर रहा था रेडियोलॉजी से एंड ही कमिटेड सुसाइड लास्ट डे. आई मीन जस्ट कैन यू इमेजिन, वो एक डॉक्टर बन चुका है, पीजी कर रहा है एंड उसने अपनी लाइफ खत्म कर दी. और उसकी AIR-1 आई थी 2017 के अंदर. ये एग्जाम कुछ है ही नहीं, वो इतनी कम उम्र में है, होते ना तब हमको लगता है कि एग्जाम सब कुछ है, बट वो एग्जाम कुछ भी नहीं होता है. आप खुद उससे बहुत ऊपर हो. जब आप अपने आप को इन्फीरियर समझते हो ना लोगों से, मेरे अंदर ये कॉम्प्लेक्स था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं. मैं किसी भी बच्चे को देखती थी, किसी भी इंसान को देखती थी, सबको मैं उनके बारे में ऐसे सोचती थी कि यार इसको सब आता है और मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं इसके सामने बहुत इन्फीरियर हूँ और ये मेरे सामने धौंस जमा सकता है अपनी, ये बोल सकता है मुझे कुछ भी, पर मैं इसे पलट के जवाब नहीं दे सकती हूँ बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम इन्फीरियर. अरे वाई एम आई इन्फीरियर यार, आई एम ऑल्सो वर्किंग हार्ड, मैंने भी उतना ही पैसा पे किया है उस कोचिंग में और उस सामने वाले ने भी उतना ही किया, तो मैं क्यों इन्फीरियर हूँ? Why he or she is not feeling inferior? And that was the self-talk when I did with myself. Then I realized कि यार that was a reason. मेरे अंदर नॉलेज का नहीं था कि भाई मेरे को आता नहीं था इसलिए मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे. इतनी बारी मुझसे ऐसा हुआ कि मैं जब अपनी कोचिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट लिखती थी, एक बारी मुझे अच्छे से याद है मैं टेस्ट लिख रही थी, 3 बजे हमारा टेस्ट था, 3 से 6 तक मैं टेस्ट लिख रही थी और मैं ब्लैंक थी. जबकि मैं इतना पढ़ के आई थी, मैं ब्लैंक थी, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे, दिमाग खत्म हो गया था, ब्लैंक हो गया था एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट सुसाइड, कमिटिंग सुसाइड, कि ये टेस्ट खत्म हो जाए और मैं सुसाइड करने जाऊंगी. दिस इज द थिंग, जब आप अपने आप से कॉन्फिडेंस अपने ऊपर से लूज करते हो, किसी और से कंपेयर करते 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 इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप में आ जाता है. आप ये समझो ही मत कि मेरे से कोई ऊपर है. जिस दिन आप ये समझने लग जाओगे ना, उस दिन लाइफ में ये नीट एग्जाम क्या, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. क्योंकि लाइफ में आगे जाने के लिए पैसा तो चाहिए होगा ना, अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए पैसा चाहिए होगा, आपके ख्वाब होंगे, ड्रीम्स होंगे, उनको पूरा करने के लिए, अपने पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए होगा. पैसा कमाने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, हर किसी से नहीं कमाया जाता. जीतू भैया जो बात कहते हैं ना, वो सही कहते हैं कोटा फैक्ट्री में, कि लोग कोटा आ तो जाते हैं, उनको लगता है हम 11th-12th यहाँ से कर लेंगे, बट उनको एक्चुअली में इसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता. उनको ये पता ही नहीं यहाँ आने के बाद सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिप्रेशन, एंजाइटी, कंपेरिजन, जेलसी, चुभन, ऐसी सी फीलिंग्स आती हैं एंड दैट इज रियल. उससे कोप अप करने में सालों साल लग जाएंगे. जो टॉपर आ रहा है, AIR-1 आ रही है या आ रहा है, वो लोगों में कॉन्फिडेंस खूब होता है, वो भर भर के कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखते हैं. पढ़ाई वो भी सेम कर रहे हैं, तुम भी सेम कर रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं है. यू मी एंड एवरीबडी आर सेम, सेम ह्यूमन बींग. 24 आवर्स तुम्हारे पास रहते हैं, हर दिन शुरू होती है तुम्हारे बैंक अकाउंट में 24 घंटे डाले जाते हैं और यू आर वेरी लकी टू हैव दोज 24 आवर्स. जिस दिन आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखकर अपना टेस्ट देकर आएंगे ना, मैं आपको गारंटेड लिख के देती हूँ, आपके उस टेस्ट में मार्क्स बढ़कर आएंगे. अब बढ़कर कितने भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज ऑल्सो. बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेम चीज आपके साथ होगी. कॉन्फिडेंस होगा तो आपसे काम बन जाएगा. कम ड्यूरेशन है, सिलेबस ज्यादा है, कॉन्फिडेंस है तो काम हो जाएगा. कम कॉन्फिडेंस है तो ज्यादा टाइम होकर भी आपके पास में इतना सा सिलेबस है वो भी कम्प्लीट नहीं हो पाएगा. कोई भी एग्जाम और कोई भी चीज आपके ऊपर नहीं है. ध्यान रखिए अपना. ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे. थैंक यू.